ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर साधा निशाना, कहा विकासशील देश होने का उठाया भरपूर लाभ। सीएम मनोहर लाल और दो मंत्रियों को मिले नए विभाग, गृह मंत्री अनिल विज ने छीना सीआईडी। साहित्य का महाकुंभ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से शुरू, सीएम अशोक गहलोत ने किया शुभारंभ। तीसरी तिमाही में कंपनियों के बेहतर वित्तीय नतीजे, उछाल के साथ खुला शेयर बाजार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ चल रहे ट्रेड वॉर को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। ट्रंप ने दावोस में वैश्विक आर्थिक मंच से कहा कि चीन और भारत ने विकासशील देश होने का पूरा लाभ उठाया है। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से विश्व व्यापार संगठन को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, मेरा चीन से काफी समय से विवाद चल रहा था क्योंकि हमारे देश के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। चीन को एक विकासशील राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, भारत को भी एक विकासशील राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, परंतु हमें एक विकासशील राष्ट्र के रूप में नहीं देखा जाता। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, हम एक विकासशील राष्ट्र हैं, लेकिन उन्हें इस तथ्य से जबरदस्त फायदा हुआ कि उन्हें विकासशील माना गया और हमें नहीं, उन्हें होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वे हैं तो हम हैं। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही सर्वे सर्वा हैं और अब सीआईडी वही देखेंगे। गृह मंत्री अनिल विज से सीआईडी वापस ले लिया गया है। सीआईडी को लेकर विज के गृह मंत्री बनने के बाद से ही विवाद चल रहा था। सरकार ने आदेश जारी कर सीआईडी को लेकर चल रही उहापोह की स्थिति को समाप्त कर दिया है। दिन में हुए तबादलों में अनिल विज के शहरी स्थानीय निकाय विभाग से सीएम ने अपने अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर को भी हटा लिया। वहीं एनएचएम में नए मिशन निदेशक की भी नियुक्ति कर दी। अब देखना यह है कि विज सीआईडी छिनने के बाद क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि वह इस बात पर अड़िग थे कि सीआईडी गृह विभाग का हिस्सा है और इसे कैबिनेट की मंजूरी व विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर ही वापस लिया जा सकता है। साहित्य का महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। जयपुर के डिग्गी पैलेस होटल में 5 दिवसीय जेएलएफ का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। जेएलएफ में इस बार देश दुनिया के 550 वक्ता शामिल हो रहे हैं। इनमें हर साल की तरह इस बार भी वक्ताओं के तौर पर लेखक, राजनेता, फिल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियां और पत्रकार कला, संविधान, फैशन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, करंट अफेयर्स, लेखन, समाज और जीवित भाषाओं आदि विषयों पर अपनी बात रखेंगे। लगातार आतंकी हमलों की सूचनाओं के बीच गणतंत्र दिवस से पहले सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। यहां उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के साथ और अग्रिम चौकियों तक जाकर वह सरहद और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। सेना अध्यक्ष बनने के बाद जनरल नरवणे पहली बार जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। इससे पूर्व नरवणे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख गए थे। सूत्रों का कहना है कि सेना अध्यक्ष उधमपुर, उत्तरी कमान और नगरोटा स्थित 16वीं कोर मुख्यालय में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सेना के अलावा पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ सहित तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। इसमें गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर बात होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और तेलंगाना से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वे भारत को धमकाने की कोशिश न करें और जिन्ना का अनुसरण भी न करें। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम शासकों ने भारत पर 800 सालों से ज्यादा समय तक शासन किया, वे लुटेरे थे, भारत को धमकाने की जरूरत नहीं, देश के लोग अब जाग चुके हैं। बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि किसी को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमको इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तू मेरे कागज देखना चाहता है, मैंने 800 बरस तक इस मुल्क में हुक्मरानी और जाबाजी की है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में जो विरोध कर रहे हैं, वह सब राजनीति के तहत हो रहा है। जेएनयू और जामिया में मिलाकर जितने छात्र पढ़ते हैं, उससे ज्यादा तो यहां मेरठ कॉलेज में सीएए के पक्ष में बैठ चुके हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ देखते हुए कहा कि आप ही कुछ कर सकते हैं, पश्चिम के छात्रों को 10% रिजर्वेशन दिलवा दीजिए, जामिया एएमयू का इलाज कर देंगे। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर बालियान ने कहा कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी यहां आए हुए हैं, उनमें हमारे यहां 8 परिवार है। नागरिकता संशोधन कानून के पास
होने से पहले मुझे भी इस बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन इसके बाद जब परिवारों के मुखिया से बात हुई तो सच सामने आया। एक परिवार के मुखिया ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की बेटियों बहनों को जबरन उठाकर ले जाते हैं। ऐसा जुल्म सहने वालों को अगर नागरिकता दी जा रही है तो इसका भी विरोध हो रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी ने भारतीयों को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा देश में अंग्रेजी शासन के दौरान यह नारा दिया, जिसने हजारों युवाओं को आजादी की लड़ाई में बलिदान के लिए प्रेरित किया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूपी के रामपुर जिले के कोतवाली मिलक में नदी किनारे झाड़ियों में 8 वर्षीय किशोर के शव मिलने से कोहराम मच गया। किशोर मंगलवार शाम 5 बजे से गायब था। परिजनों के अनुसार अमर कल शाम 5 बजे घर से खेलने के लिए निकला था। देर शाम 7 बजे तक वापस नहीं लौटा तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने अपने स्तर पर उसकी खोजबीन की। रात 9 बजे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने रात भर मृतक की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। सुबह 8:30 बजे नदी किनारे शौच को गए किसी व्यक्ति की नजर झाड़ियों में पड़े शव पर पड़ी तो खबर पाकर परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक का शव को लेकर सरकारी अस्पताल आए। वहीं सीओ सूचना पर मिलक सलोनी अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही अरुण कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे और जल्द से जल्द घटना के खुलासे का परिजनों को आश्वासन दिया। एक बच्चा जो इसी कस्बे के रौराखोर मोहल्ले का बच्चा है, 8 साल उसकी उम्र होगी, अपनी माँ के साथ और बहनों के साथ, दादी उसकी दूसरे मोहल्ले में रहती है, उस मोहल्ले में गया था। वहाँ से वापस उसकी माँ, उसकी तीनों बहनें, खुद वो घर आए और उसके चाचा जो दादी के साथ रहते हैं वो छोड़ने भी आए थे। 7:30-8 बजे अपने घर आए। आधे घंटे के बाद भीतर ही माँ को ऐसा लगा कि बच्चा लगता कहीं फिर दोबारा निकल गया, तो उसने फिर अपने देवर से जो छोड़ने आया था उसको भी और लोगों को बताया। ढूंढा इन लोगों ने काफ़ी, बच्चा नहीं मिला। रात्रि में लगभग 12:30-1 बजे के आसपास उन्होंने पुलिस को बताया। स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर, SSI, हल्का प्रभारी और सारे लोग भी परिजनों के साथ ढूंढते रहे। भोर में उनके घर से मैं समझता हूँ 400-500 कदम दूरी पर बस्ती में ही एक मंडई है जिसमें पशु बांधे जाते हैं, उसके पीछे ये बच्चे का शव मिला। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तीसरी तिमाही में कंपनियों के बेहतर वित्तीय नतीजों से आज शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। BSE का सेंसेक्स 76.12 अंकों की तेजी के साथ 41,191.50 पर खुला। वही NSE का निफ्टी 46.1 अंक उछलकर 12,123.75 पर खुला। शुरुआती कारोबार में BSE पर 21 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि 9 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर खुले। NSE पर 34 कंपनियों के शेयरों में लिवाली तथा 16 कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखी गई। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत 3 लोगों के खिलाफ एक ट्रेवल एजेंट मोहम्मद शादाब से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। इस मामले में औरंगाबाद में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है। यह मामला दानिश टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक मोहम्मद शादाब की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक 9 नवंबर से 12 नवंबर 2019 के बीच एविकल ने अजहरुद्दीन और खुद के लिए कई विदेशी शहरों के लिए टिकट बुक किए और रद्द कराए थे। शादाब बंद हो चुकी जेट एयरवेज के पूर्व एग्जीक्यूटिव भी हैं। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी AD नागरे ने बताया कि प्रथम सूचना के आधार पर मुजीब खान, जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, सुदेश अविकल और मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।